नमस्कार दोस्तों, एम के इलेक्ट्रिकल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं, ये तूफानी पंखे का आर्मेचर है। दोस्तों, इसमें क्या था कि इसकी शाफ्ट घिस गई थी, और हम ये देखो शाफ्ट देख पा रहे हैं आप, ये घिस गई थी। हमने इस पर पीतर की वेल्डिंग कराई है। पीतर की वेल्डिंग कराने के बाद दोस्तों हमको उसको टंच करना है, लेकिन टंच करने के लिए हमारे पास दोस्तों मशीन नहीं है। तो दोस्तों, इसका जुगाड़ हम कैसे करें? हमने शाफ्ट पे हमने पीतल की वेल्डिंग तो रखवा ली है, लेकिन हमें उसी तरीके से टंच करनी है, ना तो ज़्यादा भार हो और ना टाइट हो ना ढीली हो। दोस्तों, हमें बिल्कुल सेम तरीके से करनी है। आपको क्या करना क्या है, या तो आपको ये जो है उससे घिसना है, रेती से, जिसको हम फाइल बोलते हैं। अगर उससे नहीं घिस सकते आप, तो देखो मैं जुगाड़ बना रहा हूँ एक। आपको आपको इस तरीके का जुगाड़ बना लेना है। एक मोटर ले लेनी है दोस्तों। मोटर पर हमें जो हमारे पास में रेग माल होता है, आप जानते हैं इसे, उसको इस तरीके से मोटर की शाफ्ट पर बांध लेना है दोस्तों। अच्छे से बांधना है, स्लिप ना हो दोस्तों। उसके बाद इसमें सप्लाई लगा देनी है। सप्लाई लगाने के बाद दोस्तों इस तरीके से देखो मोटर की जो शाफ्ट है, देखो इसको घिस लेते हैं। इससे आप देख सकते हैं आर्मेचर की जो शाफ्ट लगी हुई है दोस्तों, इसको इस तरीके से चारों तरफ से बराबर बराबर घिसते हैं। क्योंकि क्या होता है, इसकी टंच लगानी होती है हमको बिल्कुल बराबर, ना किधर को भी ज़्यादा और ना कम। क्योंकि अगर कम ज़्यादा हो जाएगी तो दोस्तों आर्मेचर स्टेटर में रुक रुक के आएगा दोस्तों, और आपकी मोटर रुक 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 जाएगी दोस्तों। आप इसकी सेटिंग नहीं कर पाएंगे दोस्तों। दोस्तों, आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि चारों तरफ से बराबर घिसनी है इसको। इस तरीके से घिसने के बाद दोस्तों आपको ये बार बार चेक करनी है कि टाइट है या नहीं है दोस्तों। दोस्तों देखो, मैंने इसको घिस लिया है दोस्तों, थोड़ा टाइट है हमारा, और टाइट ही होना चाहिए थोड़ा सा। देखो मैं आपको दिखा दूँ, ऐसा ना को हल्का ना हो, थोड़ा टाइट ही आए, जिससे हमारी बेयरिंग जो है वर्क करती रहे। ये देखो दोस्तों, इस तरीके से दोस्तों ये बिल्कुल प्रॉपर ठीक हुआ है दोस्तों। कभी दोस्तों इसे इतना काम करने के क्या होता है, खराब मिस्त्री वाला जो है 100 रुपये भी ले लेता है, और उससे ज़्यादा भी ले 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 सकता है आपसे। देखो दोस्तों, मैंने इसको अच्छे से फंसाया है दोस्तों। फंसाने के बाद दोस्तों मैं इसकी सेटिंग करके आपको दिखाऊँगा। सेटिंग करने के बाद दोस्तों इसको चला कर दिखाऊँगा कसने के बाद। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे दोस्तों। ये देखो मैं अभी चला के दिखा रहा हूँ। आप देखो दोस्तों, अच्छे से वर्क कर रही है मोटर, आपको दिख रही है दोस्तों। देखो मैं और चला कर दिखाता हूँ, अगर नहीं नज़र आ रही हो आपको तो। दोस्तों, वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ये देखो दोस्तों, अब नज़र आएगी आपको चली हुई मोटर। ये देखो देखो प्रॉपर वर्क कर रही है दोस्तों, अच्छे से वर्क कर रही है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करें, वीडियो पूरा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।